This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिजतक। शेयर बाजार इस पूरे हफ्ते गुलजार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ने रोज नए रिकॉर्ड बनाए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। आज सेंसेक्स ने पहली बार 58,000 के स्तर को पार भी किया है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आज भी बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सेंसेक्स 277 अंक बढ़कर 58,130 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 अंक मजबूत होकर 17,323 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर्स में तेजी रही, वहीं 11 में कमजोरी रही और निफ्टी के 32 शेयरों में बढ़त और 11 में गिरावट रही। FMCG और बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली देखी गई, तो वहीं सबसे ज्यादा खरीदारी मीडिया, मेटल और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। रियल्टी शेयरों में बढ़त रही। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में रिलायंस, ONGC, कोल इंडिया, IOC और टाइटन शामिल रहे। वहीं सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में HDFC लाइफ, सिप्ला, HUL, भारतीय एयरटेल और HDFC बैंक इसमें शामिल रहे। आज विजय डायग्नोस्टिक और एमी ऑर्गेनिक्स के IPO के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन था। इन IPO के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी बात बता दें। अब IPO के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप 5paisa ऐप डाउनलोड करें और कूपन कोड INVEST200 डालें और अपने नए डीमैट खाते में 200 रुपये का क्रेडिट पाएं और सीधे IPO के लिए अप्लाई करने की शुरुआत करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विजय डायग्नोस्टिक के मुकाबले निवेशकों ने एमी ऑर्गेनिक्स के IPO पर ज़्यादा भरोसा जताया है। एमी ऑर्गेनिक्स के IPO को बम्पर रिस्पॉन्स मिला है। एमी ऑर्गेनिक्स का IPO 64 गुना से ज़्यादा भरा है। वहीं इस IPO का रिटेल हिस्सा 13 गुना से ज़्यादा भर चुका है। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक का IPO 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO का रिटेल निवेशकों का हिस्सा 110% भरा है। ग्रे मार्केट में एमी ऑर्गेनिक्स का भाव ऊंचा चल रहा है। ग्रे मार्केट में एमी ऑर्गेनिक्स के शेयर पर 100 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम चल रहा है, जबकि विजय डायग्नोस्टिक का ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिरकर 5 रुपये के आसपास आ गया है। ग्रे मार्केट को देखकर लगता है कि एमी ऑर्गेनिक की लिस्टिंग इशू प्राइस से ऊपर हो सकती है, यानी जिन निवेशकों ने एमी ऑर्गेनिक्स पर दाव लगाया है उनको लिस्टिंग गेन हो सकती है। अब दोबारा बाजार की बात करते हैं। बाजार के नई नतीजों के पीछे मजबूत आर्थिक आंकड़ों को माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बाजार में बुल रन दिसंबर तक जारी रह सकता है। हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी गिरावट आती रहेगी। बाजार की नई उड़ान के पीछे 6 बड़े कारण हैं, जिनमें पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 20.1% पर पहुंचना है। अगस्त में GST कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ के पार रहा। वहीं वित्तीय घाटा कम हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ा है लगातार दूसरी तिमाही में। PMI 50 से ऊपर रहा है। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं। वैक्सीनेशन से निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। इस वक्त निवेशकों को बाय ऑन डिप और सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि गिरावट में खरीदारी करें और ऊपर जाने पर मुनाफा वसूली करते रहें। जो निवेशक लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, वो अच्छी कंपनियों के शेयर पर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। ऐसा करने से बड़े नुकसान की गुंजाइश कम होगी, साथ ही फायदे के चांस ज़्यादा होंगे। अगर तीसरी लहर से बड़ा असर नहीं दिखा तो बाजार में बुल रन दिसंबर या चौथी तिमाही के आखिर तक जारी रह सकता है। ऐसे ही बिजतक पर आप IPO, शेयर बाजार और बिजनेस से जुड़ी जानकारियां देखते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।